है डोंगा, ड से डोंगा। हम इसमें खाना ढककर रखते हैं, ड से डोंगा। अब अगला अक्षर है ढ, अगला अक्षर है ढ। अब ढ से बनने वाले शब्दों के बारे में पढ़ें, ठीक है बच्चों? ढ से ढोलक, ढ से ढोलक, ढ से होती है ढोलक। ढोलक बाजे डम डम डम, बंदर नाचे छम छम छम। ढोलक नाचे डम डम डम, बंदर नाचे छम छम छम। भालू दिखाए तमाशा, बच्चे खाएं बताशा। ढ से ढोलक, ढ से डफली, ढ से डफली। ढ से ढप बजाएंगे, गीत खुशी के गाएंगे। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। ढक्कन बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों, खाने की चीजों को हमेशा ढक्कन से ढककर रखना चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर उसमें नहीं आते। ढ से ढक्कन, ढ से ढोल, ढ से ढोल। ढोल नगाड़ा बजा बजा कर होली वाले आते, ढोल नगाड़ा बजा बजा कर होली वाले आते। रंग अबीर गुलाल उड़ाते, पकवान मीठे खाते। ढ से ढेर, ढ से ढेर। बर्तनों का ढेर, कपड़ों का ढेर, फलों और सब्जियों का ढेर। ढ से ढेर। अब अगला अक्षर है अणा, अगला अक्षर है अणा। तो बच्चों, ण अक्षर से तो कोई भी शब्द नहीं बनता है। तो जब किसी अक्षर से शब्द नहीं बनते तो हम क्या करते हैं? अणा खाली, बच्चों बजाओ ताली। अणा खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम इसको एक बार फिर से पढ़ लें। चलिए, आज हमने पढ़ा ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढोलक। हमने क्या क्या पढ़ा, कौन से अक्षर पढ़े? हमने पढ़ा ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और अणा खाली। एक बार फिर से इसके देखें, कौन कौन से शब्द हमने बनाए थे। चलिए, ट से टब, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ड से डमरू, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ढ से ढोलक, अणा खाली। इससे पहले हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा था बच्चों, क्या आपको याद है? मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार, इनकी फिर से हम प्रैक्टिस करें। चलिए फिर से इनकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गुलाब, घ से घर, अंगा खाली। फिर हमने पढ़ा था च से
चीता, छ से छाता, ज से जग, झ से झूला, इया। और आज हमने पढ़ा ट से टमाटर, ठ से ठंडा ठंडा पानी, ड से डमरू, ढ से ढक्कन और अणा खाली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ट ठ ड ढ ण अक्षरों के बारे में और उनसे बने बहुत सारे शब्दों के बारे में पढ़ा। आशा है आप सबको बहुत मजा आया होगा। अब आप घर में मम्मी पापा या बड़ों के साथ इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कविताओं को गाकर दोहराइएगा। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद।